गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हैप्पी तीज सबको, सबको यानी कि सब मेरी बहनों को, लेडीज को, मतलब जितने भी लोग हैं ना जो मेरा चैनल ये देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी तीज। और किसी किसी की यहाँ पे तीज पे फास्ट रखा जाता है, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ पर फास्ट वगैरह जैसा तो मैंने कुछ देखा नहीं है जब से मैं ससुराल में आई हूँ, यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर तो होता है कि ग्रीन साड़ी पहनो, पूरा श्रृंगार करो, खाओ पियो मौज करो। मतलब एक होता है कि एक इंजॉयबल डे होता है ना। ये देखिए मेहंदी अपने आप से लगाई थी, आप लोगों को पता है 2:30 बजे लगाई थी, 1:30-2 बज रहा था। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, ठीक है, मंदिर जाऊँगी सबसे पहले। तो पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद और मैं आपको प्रॉपर अपना लुक भी दिखाऊँगी। ग्रीन साड़ी मैं पहन रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने पहन ली है ग्रीन कलर की साड़ी, और अभी मैंने कुछ भी मतलब मेकअप वेकअप नहीं करा, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ही कर लेता क्योंकि मैं मंदिर गई थी। और मैं पसीनों में एकदम तर हो रही हूँ क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी नीचे। यार मेरे को ये लगता है कि पहले नाश्ते वाश्ते का काम हो जाना चाहिए, उसके बाद रेडी वेडी होना चाहिए। तो वैसे इसलिए मैंने चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं पहनी थी, कुछ भी नहीं करा था मैंने। बस मैंने सोचा चलो यार पहले मैं चाय वाय पीने के बाद, सब लोग को देने के बाद ना फिर अच्छे से रेडी होंगी। पसीने भाई रे भाई, क्या पसीने है। नहा लो सड़ा, नहा लो, ओ सड़ा लो, मुंह कुछ बोल लिया करो। ये क्या होता है, है? ये तो इंतजार कर रहा है कि कब ये बंद हो, कब मैं रिमोट से चालू करूं। तो फ्रेंड्स बारिश आ गई और मैं बारिश में नहाने लग गई, मुझे काफी मजा आ रहा था बारिश में नहाने में ना। साड़ी भी पूरी गीली हो गई है मेरी, लेकिन मुझे मजा आ रहा था बारिश में एंजॉय करने में, नहाने में। तीज पे तो और मजा आ गया बारिश में नहाने में, बाल बिल्कुल गीले थे और भी गीले हो गए हैं। तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपनी तीज। और अभी मैं चेंज कर लूंगी साड़ी क्योंकि गीली हो गई है ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स आप सबको तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोबारा से मैं तो कपड़े चेंज कर लिए फ्रेंड्स, अब काम पे लग जाते हैं क्योंकि बारिश आई थी। तो बारिश की वजह से मैंने मेरी साड़ी गीली हो गई थी, तो कमरा हो गया था पूरा गीला। अब मैं पोछा लगाऊंगी और ना, और ये कपड़े मैंने सारे धोए थे, कल धोए थे मैंने ये कपड़े, तो ये सूखे नहीं हैं। हल्के हल्के जो सूखे हैं उनको सुखा दूंगी, जो गीले हैं मतलब जो सूखे हैं उन्हें रख दूंगी, और जो गीले हैं ना उन्हें हल्के हल्के हवा लगा दूंगी, स्मेल निकल जाएगी अभी। तो डालूंगी कपड़े, धूप का भी ऐसा ही रहता है कि कभी आ रही है कभी जा रही है, इस तरीके से रह रहा है। कपड़ों को भी अरेंज करना है, ये कपड़े फैले पड़े हैं, इन्हें भी रखूंगी, पोछा मैंने लगा ही दिया है। बिल्कुल नाम मात्र का डालो थी। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, वो परिवार है इसलिए अपना देश कर दिया। नहीं तो केवल ये बैठता है हमारा, तुम्हारा रखा हो उन्होंने देखो दाल बनाए हैं। अच्छा तिलक करवा ले यार, ओ भाई तिलक लाए, तिलक लाए बाबू। परमेश्वर पार
परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख पलटा स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलू दया है, किस विध मिलू दया है तुमको मैं। तो कथा खत्म हो गई थी, सॉरी हवन था, हवन हो गया था, और अब हेल्प करा रही थी मैं दीदी के साथ पूड़ियाँ बनवाने में। इनके यहाँ कथा थी, मतलब दोनों जो हैं ऊपर रहते ताऊ जी के यहाँ। तो यहाँ पर दीदी ने सब्जी वगैरह सब कुछ बना ही लिया था, तो मैं पूड़ियाँ बनवा रही थी, हेल्प करवा रही थी, और बाकी कोई डाल के खाना दे रहा था, कोई बना रहा था, सब अपने अपने कामों में लगे पड़े। सब लोग बना रहे हैं दीदी और मैं ने, मतलब मैं तो सिर्फ पूड़ी बना रही है, सारी मेहनत दीदी ने करी है। हाँ तो मैं बता रही हूँ, सारी मेहनत दीदी ने करी है और मोनिका ने करी है, जिससे जो जाता है सब वो कर लेता है। हो बाबा, ये किसने लाई खीर? मैंने। ओह माय गॉड, आलू की सब्जी। एंजॉय करूंगी खीर, यमी यमी खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी। तो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।